बोले। कहा गया है, सुना गया है, कोई न बोले। जबां दराजों को मशवरा है, कोई न बोले। अजीब लुकनत पसंद हाकिम से वास्ता है, अजीब लुकनत पसंद हाकिम से वास्ता है। जो चाहता है, जो सोचता है, कोई न बोले। हमारी दाईं तरफ इस सदी का सबसे बड़ा फकीर सोया हुआ है। मैं उनकी समाधि से बिल्कुल करीब खड़ा होकर के संकल्प सत्याग्रह में मेरी आंखों के सामने तपती दोपहरी में बड़ी तादाद में मौजूद कांग्रेस पार्टी के सिपाहियों को सलाम करता हूं। नवरात्रि चल रही है, रमजान चल रहा है, मैं रोजे की हालत में हूं। आप तमाम साथी ऐसे होंगे जिन्होंने नवरात्रि के व्रत रखे होंगे और इस पवित्र सप्ताह के बीच में हम खड़े हैं एक हाकिम की सनक के से उपजे हुए एक फैसले के खिलाफ। दोस्तों, भारत के लोकतंत्र के लिए एक मुश्किल लम्हा है ये। याद करिए, जब हाकिम की सनक की वजह से आप लाइनों में लग करके अपने पैसे बदलवाने के लिए बैंकों के साथियों से विनती कर रहे थे, चरौरी मिन्नत कर रहे थे, तब सबसे बड़ी आवाज बन के कौन बोल रहा था? राहुल गांधी। नतीजा क्या निकला? उनकी एसपीजी सुरक्षा वापस ले ली गई। याद करिए, जब गब्बर सिंह टैक्स लगा करके छोटे व्यापारियों को बर्बाद करने का सपना पाला था इस सरकार ने, तो सबसे मजबूत आवाज बन के कौन बोल रहा था? राहुल गांधी। नतीजा क्या निकला? हजारों करोड़ रुपए खर्च करके उनके पीछे ट्रोल आर्मी लगा दी गई। उनकी इमेज खराब करने के लिए जितने तरीके अपना सकती थी भारतीय जनता पार्टी, उसने अपनाया। याद करिए कि जब राफेल के मुद्दे पर राफेल में हुई लूट के खिलाफ एक अकेला शख्स पूरे देश में खड़ा होकर के चौकीदार से पूछ रहा था कि आपकी चौकीदारी का सवाल है, बताइए सच्चाई क्या है, तब उनके पीछे 55 घंटे उन्हें ईडी के ऑफिस में बिठा करके पूछताछ की गई। मेरे भाई, उस शख्स ने क्या गुनाह किया, क्या कसूर है उनका? उनका कसूर इतना है कि जब देश में नफरतें सर चढ़ करके बोल रही थी तो उस शख्स ने कहा कि मैं भारत जोड़ने के लिए अपने पैर के छालों की परवाह किए बगैर 4000 किलोमीटर चलूंगा। यह कसूर है राहुल गांधी का। यह कसूर है राहुल गांधी का कि वह एक शहीद पिता के बेटे हैं। यह कसूर है उनका। यह कसूर है उनका कि उनकी दादी ने इस देश की मिट्टी के लिए अपने खून का एक एक कतरा कुर्बान कर दिया। यह कसूर है उनका। आज भारतीय जनता पार्टी के लोग हाउस में खड़े होकर के, सदन शुरू होते ही एक मिनट भी सदन नहीं शुरू हुआ रहता था और खड़े होकर के राहुल गांधी माफी मांगो के नारे शुरू कर देते थे। किस बात की माफी? क्योंकि वो भारत जोड़ रहे हैं, वो लोकतंत्र को बचाने की बात कर रहे हैं। अरे भाजपाइयों, माफी तो आपको मांगनी चाहिए। 15 लाख के झूठे जुमले के लिए माफी मांगो, बढ़ती हुई महंगाई के लिए माफी मांगो, अच्छे दिन के झूठे वादों के लिए माफी मांगो, लोकतंत्र को कुचलने के लिए माफी मांगो, महंगाई के खिलाफ माफी मांगो, 400 का सिलेंडर 1100 रुपए करने के लिए माफी मांगो, 58 रुपए का पेट्रोल 100 रुपए का करने के लिए माफी मांगो, हिंदू को मुसलमान से लड़ाने के लिए माफी मांगो, सिख को ईसाई से लड़ाने के लिए माफी मांगो। माफी तो तुम मांगो। और अगर तुम ये कहते हो कि राहुल गांधी ने विदेश में जाकर के भारत का अपमान किया, तो प्रधानमंत्री जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि जब दोहा में, शंघाई में, कैलिफोर्निया में, अमेरिका में खड़े होकर के आप कह रहे थे कि भारत तो सपेरों का देश है, भारत में पैदा होना तो पाप है, प्रधानमंत्री जी, माफी तो आपको मांगनी चाहिए। मैं आज प्रियंका दीदी को सुन रहा था, मेरी आंखों में आंसू थे उनका भाषण सुन करके। पिछले कुछ हफ्तों में 2 बार मेरी पलकें नम हुई। पहली बार तब हुई जब हम संसद भवन से तमाम सांसद निकल रहे थे और एकाएक हमने सीपीपी ऑफिस में देखा कि राहुल गांधी जी को 2 साल की सजा दे दी गई। उन लम्हों में मेरी आंख में आंसू थे। मैं शायर हूं तो मैं भावुक हूं, शायद इसलिए मेरी आंखें नम हो जाती हैं ऐसे लम्हों में। आज जब प्रियंका जी बोल रही थी तो मैं उन्हें सुनकर के भी मैं नम हो गया। ये जुल्म है कि जुल्म को कहता हूं साफ जुल्म, ये जुल्म है कि जुल्म को कहता हूं साफ जुल्म। क्या जुल्म कर रहा हूं, मुझे मार दीजिए। जो जख्म बांटते हैं उन्हें जीस्त पे है हक, मैं फूल बांटता हूं, मुझे मार दीजिए। फिर उसके बाद
हिंदुस्तान वालों, फिर उसके बाद शहर में नाचेगा हु का शोर, फिर उसके बाद शहर में नाचेगा हु का शोर। मैं आखिरी सदा हूं, मुझे मार दीजिए। मेरे भाई, इस देश के लोकतंत्र को बचाने के लिए जो सबसे बड़ी आवाज है इस देश के, उसको मारने की, उसको कुचलने की जो कोशिश है, उसके खिलाफ आपको खड़ा तो होना पड़ेगा, आपको बोलना तो पड़ेगा। मैं कभी कभी सोचता हूं कि जब मैं कभी समाधि पर जाऊं तो क्या मुंह दिखाऊंगा महात्मा गांधी को, मैं क्या मुंह दिखाऊंगा राजीव जी को, हम क्या मुंह दिखाएंगे इंदिरा जी को, क्या उनके वारिस के साथ, उनके घर के चश्मो चराग के साथ इस तरह की अपमानजनक बातें की जा रही हैं और देश खामोश बैठा है। सवाल आपसे है, सवाल यहां बैठे हुए लोगों से नहीं है, सवाल आपसे है जो आप कांग्रेस की मोहब्बत में यहां आए हुए। मैं आपको सलाम करता हूं, मैं जानता हूं आप राहुल गांधी जी से मोहब्बत करते हैं, कांग्रेस पार्टी से मोहब्बत करते हैं, प्रियंका जी दी के सम्मान में आए हुए हैं, खड़गे साहब के सम्मान में आए हुए हैं, मैं जानता हूं, वरना इस तपती दोपहरी में व्रत रख के रोजा रख करके कौन परेशान होने के लिए आता। आपको मोहब्बत है पार्टी से, लेकिन नया पाने की चाहत में पुराना छूट जाता है। तुझे अपनाऊं तो मुझसे जमाना रूठ जाता है। मोहब्बत पढ़ने लिखने में बहुत आसान है, लेकिन मोहब्बत को निभाने में पसीना छूट जाता है। मैं जानता हूं कि आप पसीने के बीच भी, आप तपती दोपहरी के बीच भी यहां बैठे हैं। क्यों? क्योंकि आपके मन में पीड़ा है, आप देख रहे हैं कि लोकतंत्र को किस तरह से कुचला जा रहा है। मेरे भाई, ये एक मुश्किल वक्त है। मैं इस मंच पर खड़ा होकर के, गांधी समाधि के इस मंच पर खड़ा होकर के पूरे देश का आह्वान करता हूं कि अब समय राहुल गांधी के सत्याग्रह का नहीं है, अब राहुल गांधी जी से आगे बढ़ करके देश के एक एक व्यक्ति के ऊपर बात आ गई है। एक ऐसी आवाज जो आपके लिए संसद में बोल रही थी, कसूर क्या था? उन्होंने प्रधानमंत्री जी के भ्रष्टाचारी मित्रों के खिलाफ आवाज उठाई। उन्होंने पूछा कि 20,000 करोड़ रुपया कहां से आया अडानी की कंपनियों में। उन्होंने पूछा कि नीरव मोदी ने, ललित मोदी ने, मेहुल चौकसी ने जो इस देश को लूटा है, उसका जवाब प्रधानमंत्री जी को देना पड़ेगा। अगर प्रधानमंत्री जी इतना कहने से आप राहुल गांधी जी की सदस्यता ले लेंगे तो हम तमाम सांसद तैयार हैं, ले लीजिए हमारी सदस्यता, लेकिन हम रुकने वाले नहीं है, हम झुकने वाले नहीं है, हम मुसलसल बोलते रहेंगे। मैं हिंदुस्तान के लोगों से कहना चाहता हूं कि हमने सहराओं में हासिल किया आसानी से, तुम समंदर में भी रहकर न मिले पानी से। ये सियासत के दिए सबके हवाले न करो, मुल्क बिक जाता है एक शख्स की नादानी से। इस शख्स की नादानी से देश बिक रहा है, लोकतंत्र मटिया मेट हो रहा है, संविधान को कुचला जा रहा है। और वो आखिरी सदा जो 7 फरवरी को गूंजी थी पार्लियामेंट में, उसको भी खामोश करने के लिए उसे संसद से निकाल दिया गया है। मैं देश से कहना चाहता हूं कि उन्होंने राहुल गांधी जी को संसद से निकाल दिया है। देश सुने इस बात को कि नरेंद्र मोदी जी और उनकी सरकार ने साम दाम दंड भेद इस्तेमाल करके राहुल गांधी को संसद से निकाल दिया है। अब देश के ऊपर फैसला है, उन्होंने संसद से निकाला है। देश के लोगों, राहुल गांधी को अपने दिल में रखो, अपने दिल में बिठाओ, निकलो पूरे देश में, करो सत्याग्रह, देखते हैं इस हुकूमत की तानाशाही में कितनी ताकत है। अगर कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता जो अपने घरों पर कहीं बैठा हुआ है, मैं उससे भी आह्वान कर रहा हूं कि राहुल गांधी से बढ़कर के ये मसला इस देश के लोकतंत्र तक आ गया है, इसे बचाइए। और राहुल जी शायद अपने घर पर होंगे, यहां हम हजारों की तादाद में उनको समर्थन देने के लिए जुटे हैं। मैं तो बस इतना कह रहा हूं कि मेरे भाई, आपको एक बात समझनी है, और वो ये है कि इस मुश्किल वक्त में हमें राहुल जी से ये कहना है कि लहू में भीगे तमाम मौसम गवाही देंगे कि तुम खड़े थे। एक आखिरी नज्म सुना करके मैं आपसे विदा लूंगा कि लहू में भीगे तमाम मौसम गवाही देंगे कि तुम खड़े थे। शहर का सूरज गवाही देगा कि जब अंधेरों की कोख से निकलने वाले ये सोचते थे कि कोई जुगनू बचा नहीं है, तो तुम खड़े थे, तुम खड़े थे। तुम्हारी आंखों के ताकचों में जलती मशालों ने नई मनाजिल हमें दिखाई। तुम्हारे भाई, तुम्हारी बहनें, तुम्हारी माएं, तुम्हारी मिट्टी का जर्रा जर्रा गवाही देगा कि तुम खड़े थे। हमारी धरती के जिस्म से जब हवस के मारे ये सोचते थे
कि सियाह जोंकों की तरह चिमटे तो तुम खड़े थे, तुम्हारी हिम्मत, तुम्हारी अजमत और इस्तकामत तो वो हिमालय है कि जिसकी चोटी तलक पहुंचना न पहले बस में रहा किसी के, न आने वाले दिनों में होगा। सो आने वाली तमाम नस्लें गवाही देंगी कि तुम खड़े थे, कि तुम खड़े थे। हम तमाम लोग, मैंने कहा ना बहुत सारे लोग यहां व्रत रख करके आए हुए हैं, मैं रोजे से हूं, हम तमाम लोग इस देश के लोकतंत्र को बचाने के लिए राहुल गांधी जी के साथ हलाल ऐलान खड़े हैं, खड़े रहेंगे और एक एक सांस तक उनके साथ खड़े रहेंगे। ये हमारा राहुल गांधी जी से वादा है। जिसे खौफ नहीं है मुरझाने का, हम उस गुल के साथ खड़े हैं। कैसा भी दौर आए लेकिन हम राहुल के साथ खड़े हैं। कल भी खुलकर साथ खड़े थे, आज भी खुलकर साथ खड़े हैं। कैसा भी दौर आए लेकिन हम राहुल के साथ खड़े हैं। शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद इमरान भाई, इस इनकलाबी और जज्बाती तकरीर के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।